हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ ए टू जी कंटेंट में। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी यूट्यूब वीडियो जब बनाते हैं तो उसमें वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी वॉइस ओवर कैसे करते हैं उस पर मैंने एक वीडियो बताया है, आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर किया है, तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में थोड़ा डिटेल में बताऊँगी कि वीडियो में वॉइस ओवर कैसे किया जाता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो में वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो आपको आपकी जो वीडियो आपने शूट की है एडिट करते समय उसको पहले म्यूट करना होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये काम करना, ताकि आपकी वीडियो की जितनी भी बैकग्राउंड नॉइज़ हो या कोई और नॉइज़ हो वो सारी नॉइज़ हट जाए और उसके बाद आप वॉइस ओवर करिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी बनेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले हम चले जाएंगे काइन मास्टर में, और यहाँ पे एक फ़ाइल है जो कि मैंने एडिट करके रख ली है। अगर आप वीडियो में वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी वीडियो को एडिट करके रख लेना है, उसके बाद ही आपको वॉइस ओवर करना है लास्ट में, आखिरी में। वॉइस ओवर करने के बाद अगर आप वीडियो को एडिट करते हैं तो आपको बाद में वापस से बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट ना करना पड़े इसलिए आप वीडियो को पहले एडिट कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये वीडियो पूरी एडिट होने के बाद 3 मिनट 15 सेकंड की है, और उसके बाद अब इसमें हम वॉइस ओवर करेंगे। वॉइस ओवर करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक माइक बना हुआ है, इस माइक के ऊपर हम क्लिक करते हैं। माइक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टार्ट का बटन, मतलब स्टार्ट करना है वैसा बटन आ गया है, और स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपको जो भी आपकी वीडियो में चल रहा है, रेसिपी आप दिखा रहे हैं, वही बोलते जाना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना है। ओके, तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करते ही ये काम करना शुरू कर दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक राइस कुकर में एग मलाई करी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इलेक्ट्रिक राइस कुकर में रख लिया है। पानी जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे अंडे। मैं यहाँ पे 6 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ इस रेसिपी में। अब इसे हम ढक देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे बॉईल कर लेंगे। जब इस तरीके से क्रैक इसमें आने लग जाए उसके बाद आप इसे बंद कर दीजिए और थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अंडों की स्किन निकाल लेंगे। तो बस इस तरीके से अंडों की स्किन निकाल लेंगे और सारे ही अंडों की स्किन हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब मान लीजिए आप वीडियो में बोलते बोलते इस तरीके से हड़बड़ाहट में कुछ गलत बोल जाते हैं या फिर आप अटक जाते हैं, तो आपको कैसे कट करना है। अब ये जो इतनी बातें मैंने आपको बताई है ये तो इस वीडियो में नहीं आनी चाहिए, तो उसे हम ट्रिम कैसे कर सकते हैं, गलत चीज़ जो हमने बोल दी है वीडियो में उसे हम ट्रिम कैसे कर सकते हैं। वॉइस ओवर में भी ट्रिमिंग होती है, वॉइस ओवर में भी करेक्शन होता है। एक बार में ही पूरी वीडियो पूरी तरीके से नहीं बोल पाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचक या फिर ज़ुबान जो है लड़खड़ा जाती है या फिर हम ठीक से नहीं बोल पाते हैं, तो कुछ ना कुछ गलती होती है जो कि हमें ट्रिम करना होता है। तो चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ। जैसे ही आपका वॉइस ओवर करके हो जाए ये जो बटन है स्टॉप का बटन है इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये सेव हो गया है जितना हमने रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे एक टिक मार्क आ रहा है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं जब आप वॉइस ओवर कंप्लीट कर लेंगे ना तो नीचे कुछ इस तरीके का पर्पल सा लाइन आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये हमारी वॉइस ओवर के लिए होता है, वॉइस ओवर जब हम करते हैं तब ये पर्पल लाइन नीचे हमारी वॉइस की आती है। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे हमें ट्रिमिंग कैसे करना होता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई एग करी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत टेस्टी बनता है।
यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें डालेंगे अंडे। मैं 6 अंडों का इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ और इसे हम 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे जब तक इसमें क्रैक्स नहीं आ जाते। 10 मिनट बाद चेक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडों में थोड़े से क्रैक्स आ गए हैं, मतलब ये अच्छे से पक गया है। अब इलेक्ट्रिक राइस कुकर को बंद करेंगे और हम इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसकी स्किन को निकाल देंगे। तो सारे ही अंडों की स्किन निकाल करके हम तैयार कर लेंगे। मैंने वीडियो एकदम सही बोली है, 44 सेकंड तक। उस इस पे जैसे ही वॉइस के ऊपर ये पर्पल लाइन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे ट्रिम एंड स्प्लिट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और इसे कर देंगे स्प्लिट। स्प्लिट कर देती हूँ तो अब आप देख सकते हैं आपका वॉइस ओवर भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, जैसे कि वीडियो डिवाइड किया जाता है स्प्लिट करके, बिल्कुल वैसे। ओके, यार कर लेंगे। ओके, अब ये जो मैंने खांसी ली है उस चीज़ को हमें यहाँ तक कट कर देना है, मतलब आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पे वो रेड स्टिक रखी है उसके लेफ़्ट वाली साइड को हमें कट कर देना है, क्योंकि उतनी जगह पर मुझे खांसी आ गई थी और उतनी जगह को नहीं रखना है। तो वापस से हम चले जाते हैं ट्रिम एंड स्प्लिट पे। अब हम कर देंगे ट्रिम लेफ़्ट। लेफ़्ट की तरफ हमने कुछ गलत कर दिया है वॉइस ओवर में, इसलिए हम ट्रिम लेफ़्ट की तरफ कट कर देंगे। ओके, तो अब वापस से प्ले करके देख करके हम तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं वॉइस ओवर में कितना ज़्यादा गैप आ गया है। तो हम क्या करेंगे, जो पीछे वाला है उसे थोड़ा सा आगे ले करके आएंगे हम। ओके, तो ये देखिए आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी पूरी वीडियो को, सॉरी अपनी पूरे वॉइस ओवर को, वॉइस को भी मूव कर सकते हैं। जैसे वीडियो को ट्रिम किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने वॉइस ओवर किए गए वीडियो को भी कर सकते हैं। जैसे आपको देखते जाना है अपनी वीडियो में, वैसे तो बोलते समय वॉइस ओवर करते समय गलती नहीं होती है क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, लेकिन जब थोड़ा बहुत गलती हो भी जाता है तो जैसे कि मैंने आपको ट्रिम करके दिखाया उतनी एरिया में, वैसे ही सेम टू सेम आपको अपने पूरे वीडियो में वॉइस ओवर करते समय जहाँ पे भी गलती हुई है आप ट्रिम कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है करना, जैसे वीडियो को ट्रिम और एडजस्ट किया जाता है बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम आप अपने वॉइस ओवर को भी ट्रिम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि वीडियो में इस तरीके से वॉइस ओवर किया जाता है। आप अपने शॉर्ट्स वीडियो हो या फिर लॉन्ग वीडियो हो, दोनों में ही वॉइस ओवर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।